नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ मॉर्टम, पोस्टमार्टम और न्यूज़ मॉर्टम, दो खबरों का जो छिद्र अन्वेषण हमने किया है वो आपके सामने प्रस्तुत पेश किया। और अब दो खबरें और हैं जो छोटी छोटी खबरें हैं, छोटी खबरें नहीं हैं, बड़ी खबर है, लेकिन वो उसको जल्दी जल्दी उसकी भी चीड़फाड़ करते हैं। और पहली उसकी खबर जो है वो है कि जिस तरह से अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के जो स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो किस तरह से पूर्वांचल में और गाजीपुर में रैलियां कर रहे हैं। अफजाल अंसारी, स्वनाम धन्य अफजाल अंसारी, उनकी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। मायावती भी उधर हैं और उन्होंने भी अफजाल अंसारी को जिताने के लिए पूरी पुरजोर अपील की। और ये जो खबर आई है, ये सब इस खबर से आप वाकिफ हैं, और लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप वो देख लें, अखिलेश यादव की जो सभा चल रही है उसके बारे में सुन लें, उसके बाद फिर हम लोग उस खबर को का पोस्टमार्टम करते हैं। कभी छेड़ी थी अंसारी बंधुओं के खिलाफ जंग, जिस अंसारी बंधुओं के लिए शिवपाल से हुई थी रात, अब अखिलेश ने मांगा अफजाल के लिए वोट। सियासत में दोस्त कभी भी दुश्मन, तो दुश्मन कभी भी दोस्त बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ ऐसा ही हो रहा है। बसपा प्रमुख मायावती के साथ सारे गिले शिकवे भुलाने के बाद अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी के लिए प्रचार करते देखे गए। ये वही बाहुबली मुख्तार अंसारी हैं जिसके सपा में आने पर अखिलेश भड़क गए थे और चाचा शिवपाल के साथ ठन गई थी। अखिलेश के विरोध के कारण मुख्तार की पार्टी कौमी एकता दल का सपा में विलय रद्द हो गया था। बात जून 2016 की है, जब शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव की सहमति से मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का सपा में विलय का ऐलान किया था। इस ऐलान से तत्कालीन मुख्यमंत्री और सपा प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव खफा हो गए थे। अखिलेश ने इसका खुलकर विरोध किया और इस मामले में सक्रिय भूमिका निभाने वाले मंत्री बलराम यादव को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया। अंसारी बंधुओं की सपा में एंट्री समाजवादी कुनबे में हुए संग्राम की नींव थी। मुलायम के दखल के बाद सपा संसदीय बोर्ड ने अंसारी की पार्टी के विलय के प्रस्ताव को रद्द कर दिया और बलराम यादव की दोबारा मंत्रिमंडल में वापसी हुई। इसके थोड़े ही दिन बाद अंसारी बंधुओं को लेकर अखिलेश यादव और शिवपाल में फिर ठन गई। दिसंबर में फिर मुलायम की सहमति पर शिवपाल ने न केवल कौमी एकता दल का सपा में विलय कराया बल्कि अंसारी बंधुओं को टिकट देने का भी ऐलान कर दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव के हाथों में पार्टी की कमान आते ही कौमी एकता दल के विलय को रद्द कर दिया गया और अंसारी बंधुओं की प्रस्तावित सीटों से दूसरे उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। लेकिन समय ने करवट ली और सपा बसपा का गठबंधन हो गया। इस बार लोकसभा चुनाव में तीनों पार्टियां साथ चुनाव लड़ रही हैं। गाजीपुर की सीट गठबंधन के तहत बसपा के खाते में गई है। बसपा ने इस सीट से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने यहां से मनोज सिन्हा को उतारा है। लेकिन एक बात तो साफ है कि सियासत की इस लड़ाई में दोस्त कभी भी दुश्मन, तो कभी भी दोस्त बन जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉच। आपने सब बात सुनी और आपने देखा कि किस तरह से अखिलेश यादव अब अफजाल अंसारी को जितवाने के लिए और रैलियां कर रहे हैं और मायावती भी रैली कर रही हैं, गठबंधन में दोनों शरीक हैं। लेकिन आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि ये जो है, ये खबरों का पोस्टमार्टम हम क्या करेंगे, वो खुद अपना राजनीतिक पोस्टमार्टम पहले ही करा चुके हैं। और ये जो राजनीतिक पोस्टमार्टम है उनका, अब वो जनता के समक्ष बिल्कुल जिसको एकदम बेपर्द हो चुके हैं कि वो जिस बात को लेकर कभी वो एक सुर्खियां बटोर रहे थे, एक अच्छा और अच्छी छवि बनाने की जो कोशिश कर रहे थे, वो सब जो है वो नकाब था और बिल्कुल फर्जी था, यह बात आज साबित हो गई। और यह बात भी साबित हो गई कि उन्होंने अपने चाचा और अपने पिता दोनों को किनारे लगाने के लिए ये बात कर रहे थे, इसलिए कि अफजाल, ये मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की पार्टी का विलय कराना और समाजवादी पार्टी के साथ लाना, ये सारी बातें मुलायम की सहमति से ही शिवपाल ने उसमें पहल की थी। और लेकिन उस पहल पर अखिलेश ने किस तरह से वो एक रायता फैलाया था, एक
और उसमें सुर्खियां बटोरी थी, तब लोगों को भी थोड़ी देर के लिए लगा था कि अखिलेश जो हैं वो, यह हो सकता है कि राजनीति की धारा में ऐसे भी लोग हों जो अपराधियों के प्रवेश में से मना करते हों या सैद्धांतिक रूप से इसके विरोधी हों, तो ये उस समय खूब सुर्खियां मिली थी। लेकिन वो जो सुर्खियां मिली और जो सुर्खियां देने वाले अखबार थे, आज उनको भी पछतावा हो रहा होगा कि उनको ये लग रहा होगा कि इसी वक्त के लिए उस समय उनको सुर्खियां मिली थी। और आप ये देखें कि अफजाल अंसारी को लेकर ये जिस तरह से बातें कर रहे हैं और जिस तरह से लोगों से अपील कर रहे हैं, ये लोगों के बीच हास्य का एक माध्यम बन रहे हैं, खुद ही हास्य का के माध्यम बन रहे हैं। और कुछ लोग अब जो पोस्टमार्टम का जो है मसला, जल्दी जल्दी दो खबरें हैं, पोस्टमार्टम का जो न्यूज़ के पोस्टमार्टम का जो मसला है, उस मसले में जो एक बात हो रही है जो जमीनी स्तर पर, वो मैं आपके समक्ष रख दूँ कि इसमें अब मायावती ये कह सकती हैं और अखिलेश भी कह सकते हैं कि इसमें कोई प्रमाण तो है नहीं, लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो जनता जानती है, जनता समझती है, मैं केवल उसको कुरेद रहा हूँ और उसको उसकी याद दिला देता हूँ कि पूरे गाजीपुर के जो संसदीय क्षेत्र है, और गाजीपुर ही क्या, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक यह बात है कि टिकटों के बंटवारे में किस तरह से करोड़ों करोड़ों रुपए का जो वारा न्यारा हुआ है, उसमें वहाँ पर जो गाजीपुर तक भी ये बात है कि किस तरह से अफजाल अंसारी ने मायावती को किस तरह से उपकृत किया और किस तरह से उनको प्रसन्न किया। अब स्थानीय लेवल पर यह भी बात होने लगी है कि अखिलेश यादव का वो सब जो नारा था कि अपराधी पार्टी में नहीं आएगा, वो सब झूठ था, और ये जो कहीं उपकार का मसला जो है, उपकृत करने का मसला है, उसमें कहीं अखिलेश यादव की हिस्सेदारी तो नहीं है। अब इस तरह की बातें वो चुनावी मैदान में होने लगी हैं, और चुनावी मैदान में एक पार्टी का जो वोटर है और दूसरी पार्टी यानी गठबंधन का जो हिसाब किताब है, उसमें एक पार्टी का जो वोटर है वो ये कहने लगा है कि पैसा तो इन्होंने लिया, इनको हम क्यों वोट दें। अब ये जो पैसे के आदान प्रदान और धन का जो आदान प्रदान का जो मसला है, वो अब चूंकि गाजीपुर का चुनाव का मसला है, वहाँ पर ये बातें सामने आ रही हैं। और जैसा मैंने बताया कि इस खबर का पोस्टमार्टम करने की उतनी ज़रूरत इसलिए भी नहीं है कि ये अपने आप में पहले से ही पोस्टमार्टम हो चुका है। अब वो है, इसको हम टेक्नो लीगल भाषा में ये कह सकते हैं कि शव को फिर से उखाड़कर उसका फिर से पोस्टमार्टम किया और आपके सामने प्रस्तुत किया, और इसका जो लास्ट पंच है, जो विसरा है, वो अर्थ का खेल है, इसको आप समझे रखिएगा। और फिर हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबर पर आते हैं, और यह जो खबर है, ये हमारे जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो डीजीपी हैं, सुलखान सिंह साहब डीजीपी रहे हैं, माफ़ करिएगा, सुलखान सिंह पूर्व डीजीपी, और उनको सरकार ने एक्सटेंशन भी दिया और उनको एक आयोग का वो बनाया है, मुखिया बनाया है, और सरकार का जो उपकार है वो उनके अंदर इतना भर गया है कि उन्होंने फेसबुक पर अपना एक ये लिखा, और ये लिखा कि जो 1984 का जो दंगा हुआ था वो दंगा नहीं, नरसंहार था, और उसे राजीव गांधी ने खुद खड़े होकर कराया था। आप ये देखिए, आपके सामने में जो तस्वीर चल रही है उसमें सोनाम धन्य सुलखान सिंह साहब की फ़ोटो दिखाई दे रही है, और ये पहले की फ़ोटो है जिस समय वो वर्दी में हुआ करते थे, और ये आपने देखी, और उनका एक संवाद भी देखा जो फेसबुक पर चल रहा था, और उन्होंने कहा कि ये जो है राजीव गांधी खड़े होकर वो दंगा करा रहे थे, और सज्जन कुमार और टाइटलर जो है उनके एकदम वो टूल बने हुए थे, हथियार बने हुए थे, और इसको मॉनिटर करने की जिम्मेदारी कमलनाथ की थी। यह बात जो है, एक इसमें जो राजीव गांधी का नाम जो दिया गया, इसके पीछे जो उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक रहा हो, और जिस समय ये दंगा हुआ था उस समय वो खुद लिखते भी हैं, और उस समय वो बनारस के एडिशनल एसपी या एसपी थे जो भी, और उस समय प्रदेश में किस तरह से दंगे हुए और किस तरह से सिखों को मारा गया और वहाँ कौन से राजीव गांधी आए थे और किस तरह से थे, ये जो बात उन्होंने कही है ये एक राजनीति प्रेरित है और दुर्भावना से ग्रस्त बात है, क्योंकि
आप ये देखें कि जिस समय 31 अक्टूबर 1984 को जब इंदिरा गांधी जो उनकी हत्या हुई थी, उस समय जो उनके बेअंत सिंह और सतवंत सिंह जो उनके अंगरक्षक थे सिख, उन्होंने उन लोगों ने जो इनको इनकी इनको गोली मारी थी, उस समय राजीव गांधी दिल्ली से बाहर थे और ये हुआ कि किस तरह से उसके बाद सोनिया गाड़ी में बैठी और जल्दीबाजी में इंदिरा गांधी का जो रक्त रंजित वो शरीर था उसको वो उनकी सोनिया के गोद में सिर रख के और वो एम्स पहुंची और एम्स में वो खैर इलाज क्या होना था तब तक तो उनकी डेथ हो चुकी थी। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ये टेक्नो लीगल एक जो मसला आता है, लीगैलिटी का जो मसला आता है, उसमें डेड बॉडी को स्पॉट पे डिक्लेयर डेड नहीं किया जाता, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में उसकी छानबीन होती है, चेकिंग होती है और उसके बाद ये ऑफिशियली डिक्लेयर होता है कि ये जो है मृत है और उसके मृत की घोषणा की जाती है। तो बहरहाल बात यह है कि सुल्तान सिंह ने जो बात कही उस दिन, जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी उस दिन वो थे नहीं और वो कोंटाई में पूर्व मेदिनीपुर जो वहाँ पश्चिम बंगाल का एक चुनाव क्षेत्र है वहाँ पर थे और वहाँ से उनको बाद में बुलाया गया और तब वो अंत्येष्टि में शामिल हो पाए थे। और कोई भी ऐसा इंस्टांस नहीं मिलता, एक दो संवाद राजीव गांधी के मिलते हैं जिनका इंटरप्रिटेशन और मिस इंटरप्रिटेशन होता है और वो खैर उस समय की बात है कि पेड़ गिरता है तो कुछ ये होता है, ये जो कुछ भी धरती कांपती है, जो कुछ भी एक उनका बयान था वो एक बयान विवादों में है और उस बयान पर हमारा पोस्टमार्टम का विषय भी नहीं है। लेकिन हमारा विषय ये है कि सुल्तान सिंह को ये कैसे पता चला कि वो दंगे में शामिल थे और तब जबकि ये दंगा कराने में शामिल थे और खुद अपने सामने दंगा करा रहे थे, तब जबकि वो खुद लिखते हैं कि वो बनारस जा रहे थे और ट्रेन में सवार थे और वो बनारस के उस समय के एडिशनल एसपी या एसपी हुआ करते थे। इस पर जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के जो मुखिया हैं जो सिख दंगों के मसले की सुनवाई कर रही है टीम, वो एसआईटी के जो मुखिया हैं जो पूर्व डीजीपी हैं अतुल, और अतुल की जो नेक नियति है और उनकी जो पारदर्शिता है उसके बारे में कोई व्यक्ति संदेह नहीं कर सकता। हम लोग तो उत्तर प्रदेश में रिपोर्टर रहे हैं, जानते हैं। और अतुल जी ने सबसे अच्छी बात कही, अतुल जी ने कहा कि अगर सुल्तान सिंह के पास इतने सारे प्रमाण हैं तो वो एसआईटी के तो बाद में कही उन्होंने कहा कि सुल्तान सिंह चूंकि एक पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं और एक पुलिस का एक जो अपना अनुशासन होता है, अगर उनके पास इतने सारे प्रमाण हैं तो सरकार के पास जाना चाहिए था, सरकार के पास उनका एक बयान होना चाहिए था और सरकार के पास जितने भी इनके पास प्रमाण हैं वो देने चाहिए थे। और अगर वो सरकार के पास नहीं गए तो वो एसआईटी के पास आए और उनके पास जितने भी सबूत हैं वो सबूत दें और हम लोग उसकी छानबीन कराएंगे। यह बात जब आई सामने और जब सतह पर ये बातें जब आने लगी तब सुल्तान सिंह ने अपना जो फेसबुक पर जो कमेंट उन्होंने लिखा था, अपना कमेंट फेसबुक वॉल से वापस कर लिया, विड्रॉ कर लिया, हटा लिया। उनके फेसबुक को आज मैंने भी खंगाला और मैंने खंगाला तो मुझको उसमें वो चीज़ें नहीं मिली। इसका मतलब है कि यह बात जो मेरे जानकारी में आई थी कि उन्होंने खुद फेसबुक वॉल से हटा लिया है, तो ये बात पुष्टि हुई कि उन्होंने फेसबुक से वॉल से हटा लिया है। अब मेरा चलते चलते यही कहना है कि अगर फेसबुक से हटाना ही था तो आपने डाला क्यों था? इसका मतलब है कि आपका आत्मविश्वास जो है वो हिला हुआ है और आपका आत्मविश्वास नहीं था, वो एक राजनीतिक एक शिगुफा जैसा था और आप कुछ और सत्ता से फायदा उठाने की जुगत में हैं। आज आखिरी खबर का पोस्टमार्टम आपके सामने पेश किया और ये थोड़ा तिक्त लगा होगा, दुर्गंध आई होगी, लेकिन खबरों का पोस्टमार्टम जब होगा तो थोड़ी बहुत गंध आएगी और लेकिन भारतीय लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए यह दुर्गंध जरूरी है। आप इसकी समीक्षा करें और अच्छा रहेगा कि इसका फीडबैक भी हम लोगों के पास मिले। आज के लिए इतना ही, कल फिर कुछ खबरों को लेकर आएंगे आपके समक्ष। नमस्कार।